स्टूडेंट्स ऑफ सी बस ई बोर्ड क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं तो न्यू अकेडमिक सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की रिगार्डिंग अभी हालांकि बच्चे सीरियस तो हुए नहीं है क्योंकि जो आ, क्या है कि नाइन्थ वाले तो बेटा टेंथ में चले गए हैं और अलेवेंथ वाले भी ट्वेल्थ में चले गए हैं तो जिनका बोर्ड है वो बच्चे तो आ गए हैं अपने अपने क्लासेस में लेकिन टेंथ वाले भी अलेवेंथ में जाएंगे और ट्वेल्थ वाले फिर फर्दर पढ़ाई करेंगे आफ्टर द रिजल्ट तो अभी सीरियसनेस नहीं है क्योंकि सेशन है जस्ट स्टार्टेड सीबीएसई ने सिलेबस वगैरह दे दिया है पर अभी भी मार्किंग स्कीम आए नहीं है तो बच्चों को उतना सिंसियरिटी नहीं है बट एक न्यूज आई है इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज आप देख सकते हैं और इस बात को आप सबको पता भी है अबाउट द टू बोर्ड सिस्टम जो इस बार लगने के चांसेस अब बन रहे हैं और ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज जो होती है वो सीबीएसई से अलाइंट ही होती है इट सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 24 25 अब क्लास 10th एंड 12th जो होंगे दे विल हैव द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट बेटा जैसे मेंस के दो एग्जाम होते हैं ना जिसमें से बेस्ट ऑफ टू आप चूज कर सकते हो आपके बोर्ड में भी छह पेपर सात पेपर का एग्जाम दे दो आप बेस्ट फाइव ऑप्ट कर सकते हो परसेंटेज के लिए सिमिलरली बोर्ड ने बच्चों की एंजाइटी प्रेशर को घटाने के लिए ये सिस्टम लगाने का भी फैसला किया है कि अब इसे एक बोर्ड ना लेकर के दो बोर्ड वो लेंगे तो तो दोनों पेपर में है ना क्योंकि दोनों पेपर में दोनों बार एग्जाम में अपियर होने से आपका फायदा भी है थोड़ा नुकसान भी है सो so, ये जो मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट है ये सीबीएसई ने कोविड टाइम पे ट्रायल तो किया था टर्म वन एंड टर्म टू के नाम पे लेकिन वहाँ पर syllabus divided था ऐसा नहीं था कि मतलब सिलेबस का एग्जाम टर्म टू में लेकिन अब की बार जो board होगा it will be, होगा मतलब मतलब ऐसा कि entire syllabus divided हो जाएगा दो, पूरे का समय भी होगा और आपका फेब मार्च में भी होगा सो so, सिस्टम का ये है कि टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट यानी कि अभी क्या है ना कि वन बोर्ड सिस्टम है एनुअल बोर्ड एग्जाम होता है तो इसमें अगर बच्चा पास नहीं हो पाया ऐसा नहीं है कि दो चार बच्चे पास नहीं हो पाते एक लाख बच्चे लगभग ऐसे होते हैं जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं सो स्ट्रेस तो होता है बच्चों को कि अब अगर कंपार्टमेंट आ गई तब तो उनको फिर चक्कर हो जाता है कि फिर से क्लियर करना पड़ेगा या वेरिफिकेशन वगैरह कराना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी हो तो आप दूसरे टाइम बेटर प्रिपेयर हो सकते हो तो अब वन बोर्ड के बदले मल्टीपल बोर्ड में दो बोर्ड एग्जाम का हो रहा है इस बार भी देखो थर्टी एट लाख लगभग थर्टी नाइन लाख बच्चे अपियर हुए हैं फॉर एंड तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री एजुकेशन ने ये बताया कि फर्स्ट सेट जो होगा एग्जाम का वो नवंबर दिसंबर में होना चाहिए और सेकेंड सेट जो होगा वो फरवरी मार्च में जैसे एनुअल बोर्ड होता है वो तो एक होगा ही लेकिन मिड में भी होगा एग्जाम और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो दोनों के बेस्ट स्कोर्स को देकर के मान लो फर्स्ट बोर्ड में आपके आए एटी फाइव सेकेंड बोर्ड में आपके आ गए नाइनटी थ्री तो आपका 93 थ्री परसेंट होगा बोर्ड में चाहे उल्टा भी फर्स्ट तो ही आपका, होगा। तो ये एक सुविधा है, ये एक है। या फर्स्ट बोर्ड में किसी की कंपार्टमेंट आ गई मान लो तीन सब्जेक्ट में आ गई दो सब्जेक्ट में आ गई अभी क्या होता है वन बोर्ड सिस्टम में कंपार्टमेंट आ गई तो आप क्लियर नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट से ज्यादा ट्वेल्थ वाले और दो सब्जेक्ट से ज्यादा टेंथ वाले

और आगे की पढ़ाई शुरू कर दे या फिर कहने का मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे जेई नीट के लिए उनके तो पास टाइम नहीं बचता तो आप उसकी तैयारी में लग जाओगे सीयूईटी की तैयारी में लग जाओगे तो ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप उसकी तैयारी में लग गए और बचा हुआ जो समय है दिसंबर टू जैसे दिसंबर में आपको एक बार जेई होता ही होता है तो वो तैयारी करने का आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और अप्रैल वाला जो सेकेंड चांस होता है उसके लिए आपको पास इनफ टाइम होगा तो ये एक फायदा भी है नुकसान क्या है

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर जिस कहते हैं एनसीएफ विच इज डेवलप्ड ऑन द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसने ही वहीं पे यूनियन मिनिस्टर जो थे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने ही ये मल्टीपल बोर्ड को अनाउंस किया था ठीक है बोर्ड ने चाहे बेशक रैंकिंग सिस्टम टॉपर्स वगैरह को हटा दिया हो बट स्टिल जैसे मार्क्स है परसेंटेज है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर तो है ही चाहे आपने क्या भी किया हो परसेंटेज प्रेशर रहता है हाँ, लेकिन दो बोर्ड सिस्टम से बेटा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि हाँ चलो अगर इस बार खराब आ गया तो वो वाली सिचुएशन नहीं कि की गए जैसे अभी बच्चे डरे हुए हैं कि क्या होगा रिजल्ट कैसा होगा रिजल्ट तो दो बोर्ड में ऐसा नहीं होगा एग्जाम बेशक नौ महीने बाद होगा अभी भी आपके पास अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास सिक्स मंथस बचे हुए हैं ठीक है सो दिस मल्टीपल बोर्ड विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे आपके पास अप्रैल जैसे स्टार्ट हो गया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास मंथ्स है right. मंथ्स हैं अभी अभी यू हैव राइट सात महीने बचे हुए आपके पास तैयारी करने के लिए अभी आप अपने स्टडी को अच्छे से प्लान कर सकते हो क्योंकि देखो बेटा हर एक बच्चा लास्ट दो महीने में ही पढ़ाई पूरी करता है कोई बच्चे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर कॉन्सिस्टेंटली पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो इंटायर्ड ईयर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं ज्यादातर बच्चे है जो लास्ट टू मंथ की पढ़ाई करते हैं तो 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 उस हिसाब से देखो यू हैव टाइम आप अप्रैल मई जून जुलाई तक में कोशिश करो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्लानिंग करोगे उसको एग्जीक्यूट करोगे तो हो जाएगा रिवीजन साथ में करोगे प्रैक्टिस करोगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर सॉल्व करते चलोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा